Hello guys, my name is Sahil. You are watching Shiva Learning. You can also visit us on www.shivalearning.com. Hello guys, so how's your preparation? I think you all are doing well and preparing for NEET 2019. By doing very hard work. I think you all are regular also. So just for the regular word, I'm telling one thing, please be regular in your life and be regular in your study. क्योंकि जोश तो सबको आती है. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उनके अंदर जोश आती है. एक हफ्ते के लिए जोश आएगी और वो खूब पढ़ेंगे. फर्स्ट वन वीक दे यूज़ टू स्टडी वेरी हार्ड एंड द नेक्स्ट वीक दे यूज़ टू स्टॉप. नेक्स्ट वीक में वो क्या उनको फिर आलस आने लगती है या फिर वो उनको अंदर से फीलिंग नहीं आती है हमें क्या करना पढ़ना है या हमें 600 मार्क्स या 550 या 500 मार्क्स लाने हैं. तो वो उनकी जो जोश होती है, जो अंदर की जो एक एनर्जी होती है, पावर होती है, वो घट जाती है. तो उसको मेंटेन रखना सीखिए कि एक बार अगर आपके पास आ जाती है कोई एनर्जी, कोई पावर, तो उसको मेंटेन रखिए. ऐसा ना कि आप दो दिन के लिए आपके पास कोई एनर्जी आई है, आप दो दिन उसको यूज किए और फिर आपका वही हालत है, आलस वाली. सो ऐसी बातें मत किया करिए, ठीक है. और आई थिंक आप सबको पता होगा कि नवंबर 1 को फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गया था www.ntaneet.nic.in पे. आई थिंक आप सब लोग फिलअप किए होंगे और ये नवंबर 30th तक जाएगा. सो जो लोग ना फिलअप किए होंगे वो नवंबर 30th तक फिलअप कर लें. दूसरी बात, इस बार एग्ज़ाम NTA ले रही है. पहले वो DGHS लेती थी, अब इस बार NTA ले रही है. कुछ चेंजिंग नहीं है, सिलेबस वही है. बाकी जो मार्किंग वगैरह के थे, पेपर वगैरह के निगेटिव मार्किंग मार्क्स सेम वही है. 180 क्वेश्चन, 90, 45 और 45. ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह में जो चेंजेस किए जाते थे वही है. OBC और जो जनरल का फॉर्म फिलिंग अब 1400 है. SC ST का 750 है. आई थिंक ये सब आप लोग को पता ही होगा. अब फॉर्म में अगर आप कोई गलतियां कर देते हैं तो वो जनवरी में जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. एलिजिबिलिटी सेम एज प्रीवियस ईयर, जैसे पहले DGHS या फिर CBSE लेती थी उसी के हिसाब से एलिजिबिलिटी है. कोई चेंज नहीं है. 50% फोर्टी परसेंट अदर्स के लिए है. रजिस्ट्रेशन लिंक NTA.ac पे जाएंगे, वहाँ से मिल जाएगा. स्पेशली अगर नीट की रजिस्ट्रेशन लिंक चाहिए तो www.ntaneet.nic.in पे चले जाइएगा. क्वेश्चंस वही हैं, 180, 45, 45 हैं. नीट का जो सिलेबस है, NCERT की सारी बुकें उठा लीजिए, क्लास 11, क्लास 12, वही फिजिक्स की, वही बायोलॉजी की और वही केमिस्ट्री की, वही सारे सिलेबस हैं, ठीक है. आज ये कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट सिलेबस. इंपॉर्टेंट सिलेबस में हम क्या देख सकते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रे ऑप्टिक, रोटेशनल मोशन, सेमी कंडक्टर, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोसिटी, वेव ब्राउन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक. एक्चुअली क्या है दोस्तों कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान दीजिए क्योंकि उस सब टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं. सेम वही आपकी केमिस्ट्री की है, जैसे कि इनऑर्गेनिक है. इनऑर्गेनिक काफ़ी इजी होता है. इसे चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग. अगर आप केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं तो आपकी जो केमिस्ट्री है उसके बहुत सारे पोर्शन इनऑर्गेनिक के मैक्सिमम पूरे ही हो जाते हैं क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लेंदी चैप्टर होता है, ठीक है. एंड नाउ देन यू हैव द बायोलॉजी. बायोलॉजी के लिए आप लोग को पता ही है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, ETC. दीज आर द सम इम्पोर्टेंट टॉपिक यू मस्ट टू स्टडी ऑफ दिस टॉपिक, ओके. एंड नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज हाउ टू सिक्योर द गुड मार्क्स नीट 2019. सो गाइस, आई थिंक बहुत सारे बच्चे, जितने भी मेडिकल के बच्चे होते हैं, आई थिंक 90% ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स आर वीक इन फिजिक्स. Means I cannot say weak in physics, I can say that they have the weak of in numerical part or in mathematical part, okay. Maths तो आते नहीं है, मैं बस mathematical part कह रहा हूँ. So जब उनका mathematical portion weak होता है इसलिए physics थोड़ी mathematics होती है.
तो उनको फिजिक्स में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना पूरा समय फिजिक्स पे दे देते हैं। दे यूज़ टू गिव ऑल द टाइम ऑन द फिजिक्स, या हमें फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स हमको नहीं आती है और फिजिक्स में हमें अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। इस तरीके से वो अपने बायोलॉजी और दूसरा सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री है उसका भी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दे यूज़ टू गिव मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर द फिजिक्स। ओके, सो इस चीज़ को अवॉइड किया करिए। सबसे ज़्यादा टाइम अगर आप देना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू सिक्योर गुड मार्क्स, रियली इफ़ यू वांट टू सिक्योर गुड मार्क्स, यू वांट टू गेट गुड कॉलेज इन लो बजट, देन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन यू ऑल मस्ट हैव टू स्टडी बायोलॉजी एवरी डे। गिव मिनिमम ऑफ 4 आवर्स टू द बायोलॉजी, 4 घंटे बायोलॉजी को दे दिए, क्योंकि बायोलॉजी सीधे 90 क्वेश्चन, 50% पोर्शंस आपकी बायोलॉजी हो जा रही है। तो क्यों ना आप 4 घंटे डेली बायोलॉजी को दे सकते हैं, क्योंकि आपकी थियोरेटिकल पार्ट स्ट्रांग है, यू आर स्ट्रांग इन थियोरेटिकल पार्ट। जैसे न्यूमेरिकल आ जाता है आप डाउट में चले जाते हैं, यहाँ तक कि आप एग्जाम में चाहे जितना न्यूमेरिकल पढ़ लें लेकिन गलत करके आ जाते हैं, आपको वहाँ ऑप्शन में डाउट हो जाता है कि ए है बी है सी है, आप आंसर लाने के बाद भी आपको डाउट रहती है कि सही है कि गलत है। ठीक है, फाइनली आप एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, फर्स्ट गिव द प्रेफरेंस टू बायोलॉजी, स्टडी एटलीस्ट 4 आवर्स डेली इफ़ यू वॉन्ट टू सिक्योर 25-30 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट यू गिव द सेकेंड प्रेफरेंस टू द केमिस्ट्री, बिकॉज केमिस्ट्री ऑल्सो हैव द लॉट्स ऑफ थियोरेटिकल क्वेश्चन, लाइक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ओके, एंड देन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री हैव लिटिल मैथमेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट, सो वो भी फार्मूला बेस्ड आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी। सो अगर आपकी थोड़ी सी भी मैथ वगैरह अगर अच्छी खासी है तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो फार्मूला बेस्ड ही आते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है वो फुल्ली जो है आपकी फुल्ली थियोरेटिकल है। मैं आपको 100% 101% यही कहूँगा कि आप इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ठीक है और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तीनों पोर्शन के लिए आप जो CBSE NCERT की बुक है उसको प्रेफर करिए, कम से कम 4 बार पढ़ जाइए। 100% आप 180 मार्क्स में से 130-140 मार्क्स गेन कर लेंगे, दिस इज़ माई श्योरिटी। ओके, क्योंकि जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बनते हैं वो बाहर से किसी हाई बुक से नहीं आते, जैसे लोग कहते हैं OP टंडन पढ़ लो, शिशिर मित्तल पढ़ लो, वो है लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। जब आपका काम थोड़े में बन रहा है, यू विल गेट सक्सेस इन बाई स्टडिंग स्मार्ट वे, तो आप क्यों उसको पढ़ने जाएंगे उतनी मोटी मोटी बुक, वो भी आपको डाउट होती है, अब बहुत डीप में चले जाते हैं, वो सब कुछ आता नहीं है। सपोज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ एलन बंसल और रेजोनेंस और समथिंग, वो आपको इतना डीप में पढ़ाते हैं ना कि वो फिर कोई मतलब कोई यूज ही नहीं है, वो मतलब BSc वगैरह के लेवल का होता है। तो आप देखिए, पेपर देखिए, एनालिसिस करिए और स्मार्ट स्टडी करिए। और थर्ड प्रीफरेंस आप फिजिक्स को दीजिए, फिजिक्स जिसका स्ट्रांग है उसको कोई बात नहीं, जिसका स्ट्रांग नहीं है वो एटलीस्ट जो फिजिक्स के जो थियरी हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार करके चले जाएँ, और 180 में से अगर वो 80 मार्क्स भी सिक्योर करते हैं देन इट्स वेरी गुड। ओके, सो लेट्स सी, सपोज यू विल गेट 330 मार्क्स आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी एंड 120 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री एंड ओनली 60 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स, देन ऑल्सो यू विल गेट 510 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे कि बायोलॉजी कितना ईजी होता है, थियोरेटिकल है, आपको केवल रीड करना है और मेमोराइज करना है। ठीक है, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि अगर आप मैथमेटिक अगर आप जैसे आपकी मैथमेटिक्स वीक है, और जनरली मेडिकल स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स वीक होती है, तो उनको ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो आप इजिली ये 510 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। सपोज अगर मान लीजिए आप फिजिक्स में आउट ऑफ 180 यू गॉट समथिंग्स लाइक 80 मार्क्स, देन यू विल गेट 530 टोटल। अब 530 टोटल में अगर आप जनरल हैं तो भी आपको गवर्नमेंट सीट मिलने की चांसेस हैं, और लो बजट के प्राइवेट 100% चांसेस हैं। दूसरी बात है, अगर आप SC OBC हैं तब आपको 100% चांस है कि आपको सीट मिल जाएगी गवर्नमेंट में। ओके, नाउ द नीट क्वालिफाइंग कट ऑफ, आई थिंक ये सब आपको पता ही है, फालतू बताने से कोई मतलब नहीं है। जनरल कैटेगरी 50 SC 40%, 45,
ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नीट 2019 में बता दिया हूँ। अपनी एनसीईआरटी को पहचानिए, टालीवुड द परीक्षा, परीक्षा ज़्यादा मत लीजिए, स्मार्ट वे में स्टडी करिए। थोड़ा सेहत पे ध्यान देना जरूरी है क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी तो पढ़ाई अच्छी होगी। रेगुलर रिवीजन, रेगुलर रिवीजन के लिए आप शॉर्ट नोट बनाए करिए, की पॉइंट बनाए करिए। जैसे जो कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स होते हैं उनके फर्स्ट लेटर लेके एक शॉर्ट वर्ड बनाया करिए, ठीक है, एक वर्ड बनाया करिए, उसको मेमोराइज रखा करिए। की पॉइंट बनाया करिए, एक अलग नोटबुक रखिए पतली सी, उसमें फॉर्मूला लिखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, और उसको अर्ली मॉर्निंग या फिर जब भी आपको टाइम मिलता है, रात को जब सोने जाते हैं, सोने से पहले उस चीज़ को एक बार डेली रिवीजन किया करिए। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपको 100% श्योर है कोई अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप की पॉइंट बना के डेली रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। टेक अप द टेस्ट, मेंटेन फ्लैक्सिबिलिटी, टेस्ट वगैरह थोड़ा दिया करिए क्योंकि ज़रूरी है, फ्लैक्सिबिलिटी मेंटेन करिए। दूसरी बात यह है कि बुक वगैरह मैं ये नहीं कहूँगा कि आप चले जाइए आई आई रोडो वगैरह सॉल्व करिए, रेसनिक हैलिडे सॉल्व करिए, सब फालतू है, कोई मतलब भी नहीं है। उतने टफ लेवल का फिजिक्स को याद ही नहीं, सिंपल फार्मूला बेस्ड आती है। आप थोड़ी फिजिक्स के लिए अगर आप थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हैं तो एहसास की बुक आती है, एहसास पब्लिकेशंस की, काफ़ी मोटी है लेकिन उसके सारे क्वेश्चंस अगर आप बना गए ना तो फिजिक्स में भी आपको अच्छा करने से कोई रोक नहीं सकता। एस सी वर्मा बेस्ट है, एस सी वर्मा में थोड़ी काफ़ी अच्छी खासी मतलब आपको नॉलेज मिल जाती है क्या कॉन्सेप्ट है। बाकी ये सब बेकार है, हीरोडोरस, निकल डे, वॉल्कर, ये सब फालतू है, कोई मतलब नहीं है। ओ पी टंडन के द्वारा फिजिकल केमिस्ट्री है, कोई मतलब नहीं है, आप केवल उठा के एन सी आर टी पढ़ डालिए पूरी केमिस्ट्री के लिए। दूसरा, अगर आप कहीं कोचिंग वगैरह किए हैं तो उसके नोट पढ़ लीजिए, ठीक है। और फिजिक्स के लिए मैं एक ही कहूँगा, रेसनिक हैलिडे, वॉल्कर, आई इरुडो, डी सी पांडे, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एस चांद उठाइएगा, इजी लैंग्वेज, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट, उसमें भी नंबर आप क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, आपको थोड़े थोड़े हिसाब से सॉल्व करने हैं समझ समझ के, नहीं तो आप एस सी वर्मा सफिशियंट है। एंड नाउ द केमिस्ट्री, आप कोई बुक मत पढ़िए, एन सी आर टी को प्रेफर करिए, प्लस आपका जो थोड़ा बहुत जो नोट वगैरह है वो भी जो नोट कोचिंग का है उसमें काफ़ी डीपली पढ़ाते हैं, वो ज़्यादा डीप में मत जाइए। पेपर देखिए, एनालिसिस करिए क्या पूछा है, उसके बाद एन सी आर टी पढ़िए। अगर आपको लगता है कि मैं एन सी आर टी पढ़ के वो पेपर सॉल्व कर सकता हूँ देन प्रीफर ओनली एन सी आर टी। एंड बायोलॉजी आप सबको पता है एन सी आर टी बेस्ट है। कुछ अगर एक आध बुकें लेना चाहते हैं तो आप इन सब में से ले लीजिए, नहीं तो अपने क्लास का नोट देखिए। बाकी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन वगैरह हैं, इधर आप वेबसाइट पर विजिट करके www.sivalearning.in पर विजिट करके आप यहाँ से सब सारी चीज़ें देख सकते हैं। सो गाइज, आई थिंक यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं अगेन कह रहा हूँ कि अपनी जो रेगुलरिटी है उसको मेंटेन रखिए, आपकी जो इंटरनल एनर्जी है उसको सस्टेन करिए, ठीक है। इंटरनल एनर्जी पढ़ने के लिए या फिर तो कुछ अच्छा लाइफ में होने के लिए सबको आती है, ठीक है, लेकिन उसको सस्टेन करना सबसे बड़ी बात है। अगर आप उसको सस्टेन कर लिए तो पक्का है आप लाइफ में अच्छा कर गए और क्रैक कर गए, ठीक है। सो इफ़ आई डिड एनीथिंग मिस्टेक देन प्लीज़ आई एम सॉरी, एंड गाइज कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप लाफिंग, हैव नाइस डे।